शुक्ला, आज आपको कुछ शनि के प्रभाव को कम करने के बड़े चमत्कारी और सरल प्रयोग आपको बता देता हूं। आजकल जैसा कि मैं देख रहा हूं यूट्यूब पे या वीडियो के माध्यम से, इस शनि के नाम पर और आपको काल सर्प योग के नाम पर लोगों को नाना प्रकार के भ्रमित करते हुए तांत्रिक लोग उनका आर्थिक शोषण कर रहे हैं। शनि से डरने की आवश्यकता नहीं है। हर व्यक्ति के जीवन काल में दो बार या तीन बार शनि की साढ़े साथी जरूर आती है। हर वक्त वो नुकसानदायक नहीं होती है। अगर आपके जन्म पत्रिका में, जन्म लग्न पत्रिका में शनि अच्छे ग्रह अच्छे स्थान पर बैठा है तो लाभ होगा। थोड़ा सा क्रूर ग्रह है वो और आपके जन्म लग्न में ठीक स्थान पर नहीं बैठा है, उसके साथ कोई दूसरा ग्रह खराब बैठा है तो नुकसान पहुंचाता है, परंतु उस नुकसान को कम किया जा सकता है इन छोटे छोटे प्रयोगों से। किसी पंडित पुरोहित के पास जाने की आपको आवश्यकता नहीं, आप स्वयं करिए, क्योंकि सकल पदार्थ याजक माही कर्महीन नर पावत नाही। तो कर्म तो आपको करना ही पड़ेगा और खुद का किया हुआ कर्म, खुद की हुई पूजा पाठ अत्यंत फलित होती है। भले आप विधि विधान ना करें, केवल भाव आपका अच्छा हो, भाव से भगवान प्रभावित होता है। तो सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं, शनि अपनी माता के प्रति बड़ा विनम्र होता है। तो अपने माता, सुबह आप जैसे प्रातः काल उठते हैं, आप अपने माता पिता के चरण स्पर्श कर लीजिए। माता पिता आपके घर से दूर है तो उनके नाम से, उनकी स्मृति करके दोनों हाथ जोड़ के बड़े प्रेम से अपने माता पिता के चरण स्पर्श कर लीजिए। माता पिता अगर इस जगत में नहीं है तो उनकी फोटो लगा लीजिए, उठते साथ माता पिता की फोटो को प्रणाम कर लीजिए। इससे भी आपके शनि का प्रभाव कम होगा यदि ये नहीं कर सकते। सबसे पहले उठते साथ धरती माता को तीन बार चरण स्पर्श से करना चाहिए, धरती माता के चरण स्पर्श करना चाहिए। अगर आप उठते साथ धरती माता के चरण स्पर्श करते हैं, शनि का प्रभाव कभी आपके कुपित नहीं होगा, क्योंकि धरती, आप धरती के ही अंश हैं, धरती सूर्य का अंश है, सूर्य के टुकड़े से धरती ठंडी होकर बनी है। अगर आप धरती को प्रणाम करते हैं, माँ जगत जननी, पार्वती का अंश है पार्वती जगत जननी, तो आप इसके प्रणाम करिए तो आपको इससे बहुत लाभ मिलेगा। सुबह उठते साथ जमीन पे पैर लगाने के पहले धरती माता के चरण स्पर्श अनिवार्य है। हर व्यक्ति को, चाहे बच्चा हो, बड़ा हो, पत्नी हो आपकी, सबको जरूर करना चाहिए। ये तो दो प्रयोग हो गए जो बड़े सरल हैं और अति चमत्कारी हैं। आप करिए, आपको लाभ दिखने लगेगा। नंबर तीसरा प्रयोग है, ये खैर की लकड़ी है, काला खैर। दो तरह के खैर होते हैं, सफेद खैर और काला खैर, बबूल की प्रजाति है। खैर की लकड़ी आपको कहीं भी मिल जाएगी, सरल सुलभ है। ये जंगलों में बहुत मात्रा में पाया जाता है, जिससे कत्था बनता है। एक टुकड़ा ले आइए तवड़ा, इस टुकड़े का एक टुकड़ा ऐसा काट लीजिए, शनिवार के दिन इसको लाइए और टुकड़ा करके शनिवार के दिन ही आपका जो प्रवेश द्वार है, मुख्य प्रवेश द्वार, जहां से आप अपने कंपाउंड में या अपने घर में सीधे प्रवेश करते हैं, उसके सीधे हाथ तरफ इसको बांध दीजिए लोहे के तार से, सीधे हाथ तरफ, गेट के सीधे हाथ तरफ बांध दीजिए इसको। बांधने के बाद हर शनिवार एक लोहे के पात्र में थोड़ा सा तेल का तेल, स्टील का पात्र नहीं होना चाहिए, ध्यान रखिए, लोहे का पात्र होना चाहिए, लोहा का पात्र लीजिए, उसमें थोड़ा सा तेल लीजिए, तिल का तेल, उसमें काली सरसों डाल दीजिए और पश्चिम की तरफ मुख करके गेट के अंदर से ही, बाहर से नहीं, गेट के अंदर से ही उसको एक हाथ से लगा के बड़े प्रेम से शाम के टाइम, गौ धूली का जो टाइम रहता है, शाम के टाइम उसको अर्पण कर दीजिए, उसको नमन करके ओम शनिश्चराय नमः, ओम शनिश्चराय नमः कर प्रणाम कर लीजिए, तीन बार मंत्र पढ़ लीजिए और वापस अपने घर में आ जाइए। ये बड़ा सरल प्रयोग है, अति दुर्लभ प्रयोग है, इसको करिए। इस प्रयोग से आपके शनि का जो भी नुकसान जो हो रहा है वो शांत हो जाएगा। नंबर चौथा प्रयोग मैं आपको बताता हूं, जो हर वक्त आपके साथ रहे, चाहे आप यात्रा कर रहे हो, बस में जा रहे हो, कहीं पर भी जा रहे हो, तो शनि का प्रभाव आपके ऊपर ज्यादा नहीं हो सकेगा।
उस प्रभाव कम हो जाएगा। अब आप जिस भी शनिवार के दिन आपको बोला जाता है कि काले घोड़े की अंगूठी ले आओ, काले घोड़े का नाल ले आओ, मिलती है नहीं, घोड़े आजकल है नहीं, उसके नाम पे नाना प्रकार के लोग आपको कुछ भी नाल बना के दे देते हैं लोहे की और कुछ भी पैसा आपसे वसूलते हैं, और उसका प्रभाव नहीं होता आपके जीवन में, तो आपको इन चीजों से आपका विश्वास उठता है। तो आपको काले घोड़े नाल की कोई आवश्यकता नहीं है। आप शनिवार के दिन मां नर्मदा के तट पर जाइए, वहां पर टूटी फूटी नाव बहुत पड़ी रहती है नर्मदा के किनारे। तो जिस भी व्यक्ति की नाव हो, नाविक से आप पूछ लीजिए, 11 रुपया 21 रुपया जैसी आपकी श्रद्धा हो, आप उसको देके एक पुरानी खीर जो नाव में ठुकी रहती है वो उससे ले लीजिए। वो इसलिए कि नाव जो है मां नर्मदा की नाव, नर्मदा को एक सिरे से दूसरे सिरे तक पार कराती है नाविकों, आपके जो नाव में पार होने वाले नदी के मुसाफिर होते हैं उनको पार कराती है, और उसमें जल तत्व और मां नर्मदा तो वैसी बड़ी शिव, उनके कंकर कंकर में मां नर्मदा के शिव का प्रवाह है और नर्मदा बड़ी प्रिय है शिव को, इसलिए आप उसकी टूटी फूटी पुरानी नाव से एक या दो खील जो आपको मिलती है शनिवार के दिन, पैसा दक्षिणा जरूर देना चाहिए। अगर कोई व्यक्ति वहां ना हो तो किसी गरीब को वहां पर दे दीजिए और वो खील को आप ग्रहण कर लीजिए, अपने घर ले आइए। सूर्य या चंद्र ग्रहण हो, ध्यान रखिए सूर्य और चंद्र ग्रहण पर बड़ी प्रभावी होती है। सूर्य और चंद्र ग्रहण के समय आप उसको लेके जाइए, और जो लोहार गाड़ी वाले लोहार होते हैं, इसकी अंगूठी बनाने का उन्हीं को अधिकार है जो गाड़ी वाले लोहार चलते हैं, गांव खेड़े के बाहर रहते हैं, शहरों में भी रहते हैं, उनको आप उनके पास जाइए, एक पीला वस्त्र ले जाइए, 1.25 रुपया 1.25 रुपया जो भी हो, दक्षिणा 1.25 रुपया जो सा वो बोले उतने पैसे आप ले जाइए। उनको मदिरा जरूर लगती है, मदिरा पान वो करते हैं क्योंकि भैरव को वो चढ़ती है, एक छोटी सी सी मदिरा के ले जाइए, उनको ये सब चीज अर्पण कर दीजिए और सीधा सीधा ले जाइए। सीधा में आप, मैं सीधा के बारे में विस्तृत अभी अगले प्रयोग में आपको बता दूंगा, इसी में आपको बता दूंगा, आटा दाल नमक मिर्ची तेल जो भी पंजियों में ले जाइए, उसको दे दीजिए और उसको बोलिए कि आप इसकी अंगूठी बना दो, जितनी भी बने 2-3-4, वो एक बैठक में बनाएगा, एक बैठक में सूर्य ग्रहण जब तक चलता होगा 2-4-6 अंगूठी आपको बना देगा, आप उसको ले लीजिए। उनको आप जो भी पैसा देते हैं, बाकी खाने की सामग्री तो वो उपयोग में ले लेंगे, पैसा वो अपने राजस्थान में जो उनको देव है उनको वो चढ़ाते हैं, क्योंकि शनि वो 24 घंटे लोहे का काम करते हैं, तो शनि को अंगूठी बनाने के अधिकार, लोहे के कार्य करने के अधिकार उन्हीं के पास प्राप्त है, उन पर देवी प्रसन्न है, इसलिए आप उनको पैसा दे दीजिए। एक वस्त्र, पीला वस्त्र, वस्त्र का मतलब कपड़े का टुकड़ा नहीं होता कभी भी, वस्त्र मतलब जिसका वो कुछ कुर्ता बना ले, पजामा बना ले, ऐसा एक छोटा सा वस्त्र ले जाइए 1.25 मीटर 2 मीटर और उसको दे दीजिए, और अंगूठी जैसी वो बन जाए, टाइम देख लीजिए आप शनि 1 घंटे का 1/2 घंटे, जितने भी ग्रहण काल में शनि 15-20 मिनट पहले से काम करना शुरू कर देता है और 1/2-1 घंटे बाद तक उनका प्रभाव रहता है, तो उस पीरियड में जितनी बन जाए उतनी ले आइए आप घर में, उसको जल से धो लीजिए और उसी दिन उसको अपनी उंगली में, बीच की उंगली में धारण कर लीजिए। ये अत्यंत दुर्लभ और बहुत चमत्कारी प्रभाव है मित्रों, इसको आप हमेशा धारण करे रहिए, आपको बहुत ही लाभकारी प्रयोग है ये, और हमेशा शनि की कृपा आपके बनी रहेगी, ना आपके दुष्प्रभाव तो खत्म होंगे साथ में शनि की कृपा भी आपके ऊपर बरसने लगेगी। एक और छोटा सा प्रयोग मैं आपको बता देता हूँ, जो पुराने काल में हमारे घर के पूर्वज लोग करते थे, वो आजकल बिल्कुल दिखता नहीं है, उसकी वजह से हर घर में बड़े कलह हो रहे हैं, भाई भाई लड़ रहे हैं, माता पिता लड़ रहे हैं, माता से बेटा लड़ रहा है। सीधा शब्द सुना होगा आप लोगों ने, एक लोहे की थाली लीजिए, उसमें तेल, तिल का, हल्दी की गांठ, मिर्ची, नमक, चने की दाल, आटा, चावल और दक्षिणा ये रख दीजिए।
उसको एक वस्त्र से, वस्त्र मतलब मैंने फिर वही बोला, 1.25 मीटर 1.5 मीटर का एक कपड़ा हो पीला, उसको ढक दीजिए। सीधा हमेशा ढक के ही दान किया जाता है, खुला दान कभी नहीं किया जाता। उसको ढक के उसमें एक सुपारी रख दीजिए, पान रख दीजिए, और ले जाके किसी पंडित को दे दीजिए, या अगर पंडित न लेना चाहे कोई गरीब आदमी को आप उसको दान कर दीजिए। उसका मतलब ही है सीधा, जितने भी आपके 9 ग्रह हैं इस सीधे के दान से सब सीधे हो जाते हैं, इसलिए इसका नाम है सीधा। टेढ़े ग्रहों को सीधा करने का सरल और सीधा प्रयोग है मित्रों, इसे जरूर करना चाहिए। अमावस और पूर्णिमा को जरूर करिए, एकादशी को जरूर करिए, और जब भी आपको इच्छा हो, पूर्णिमा हो, अमावस हो, एकादशी हो, मकर संक्रांत हो, नाग पंचमी हो, दिवाली हो, होली हो, ऐसे जो भी महत्वपूर्ण त्योहार है, चैत्र की अमावस्या हो, तो इसको आप दान कर दीजिए, इसको प्रणाम कर लीजिए और अपने घर आ जाइए। अगर ये प्रयोग आप बराबर ढंग में करते हैं तो आपके समस्त क्लेश, समस्त दुख, समस्त ग्रह नक्षत्र जो आपके उल्टे आड़े टेढ़े, गुरु हो तो चने की दाल है, हल्दी है, शनि हो तो मिर्ची है लाल, ये सब ग्रह आपके एक साथ हो जाते हैं और आपको प्रभावी हो जाते हैं, आपको अच्छा प्रभाव देने लग जाते हैं। आप 1,000 रुपए का, 50,000 रुपए का, 5 लाख रुपए का, 2 लाख रुपए का नग पहनते, आपको ज्योतिष पहना देता है कि ये पुखराज पहन लो, कि मोती पहन लो, कि माणिक पहन लो, ये उतना प्रभावी नहीं है जितने ये आपका सीधा का प्रभाव मैं आपको बता रहा। आप इसको घर पे करिए और खुद करिए और इसके प्रभाव का अनुभव भी खुद ही करिए। नमस्कार मित्रों, आपने मेरे इस वीडियो को अपने प्रेम से सुना, मुझे आशा ही नहीं, पूर्ण विश्वास है कि जगत कल्याण हेतु मैंने जो एक छोटा सा प्रयोग आपको बताया है, ये बड़े अनुभव से बताया है, इसको आप जरूर करके अपने जीवन में सुखी होंगे, ऐसी मेरी आशा है, ऐसा मेरा विश्वास है। आपने YouTube के माध्यम से मेरे इस वीडियो को इतने प्रेम से देखा, अगर कोई प्रश्न हो तो मेरे जो नीचे कमेंट्स आएंगे उसमें आप डाल दीजिए, मैं आपकी समस्याओं का निराकरण, जो मुझे थोड़ा बहुत ज्ञान शास्त्रोक्त प्राप्त हुआ है,